अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लर्न इनसाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की तरफ से मिलने वाले मेंबरशिप कार्ड के बारे में। अगर आप नहीं जानते कि TCS मेंबरशिप कार्ड क्या है तो हम आपको इस वीडियो में सारा बता देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपको हमारी हर हर बात की समझ आ सके और आप भी ले सकें अपना एक TCS मेंबरशिप कार्ड। दोस्तों कार्ड बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कार्ड का फ़ायदा क्या है और इसको जो हम लेने वाले हैं उसको क्या क्या हमारे फ़ायदे आने वाले हैं उससे या क्या क्या हमें फ़ायदे होने वाले हैं। तो जो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि इसको स्पॉन्सर करती हैं TCS को, तो वो देंगी इस पर डिस्काउंट जब हम कोई शिपिंग करवाएँगे अपनी। तो इस कार्ड की वजह से हमें डिस्काउंट मिलेगा जब हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम जब उसकी शिपिंग करेंगे। ये तो हो गया इसका एक फ़ायदा। उसके बाद एक इसका दूसरा ये फ़ायदा है, अगर हम अपने कंट्री में या कहीं पे भी अगर अपने कोई पार्सल शिप कराना चाहते हैं या उनको उनकी शिपमेंट करानी है, तो 10 पार्सल के बाद या 20 पार्सल के बाद हमें जो एक पार्सल है वो फ्री में भेजा जाएगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, उसके जो TCS है कोई पैसे नहीं लेगी। ये हमें इसका फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद हमें कार्ड मिल जाना है, उसके ऊपर हमारा नाम लिखा होगा, इसी तरह से हमारे नाम का TCS कार्ड बन जाएगा, जिसका मतलब है कि हम उसके जो मेम्बर बन जाएंगे परमानेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कार्ड मिले तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप हमारी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सिंपली गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद इधर आपको लिखना क्या है, TCS कार्ड अप्लाई। तो ये सब लिखने के बाद आपके सामने जो पहला लिंक आएगा पहली वेबसाइट का, तो आपने करना वही है ओपन। TCS की ओरिजिनल वेबसाइट खोलें, उधर जाके आप कर लें भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन इधर TCS कार्ड का जो डायरेक्ट लिंक है इसको खोल के भी आप कर सकते हैं। तो आपके सामने जब ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पे आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, तो उसको आपने फिल करना है। तो मैं भी ले चुका हूँ अपना ये कार्ड, तो मैंने सोचा चलो आप भाई उनको भी बता दूँ। तो इधर सबसे पहले करना क्या है, टाइटल में मिस्टर मिसेस जो भी है, अगर मेल फीमेल गर्ल बॉय जो भी है वो आप इधर दे देंगे। तो उसके बाद अपना CNEC नंबर वैलिड जो है वो आपने डालना है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता, अगर आप 18 प्लस हैं तो आपको तभी मिलेगा। तो उसके बाद अपना CNEC नंबर इधर पुट करना है। उसके बाद तीसरा एजुकेशन, आपकी क्लास क्या है, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, मैट्रिक के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, MPhil कर रहे हो या जो भी हो, जिस लेवल के भी स्टूडेंट हो, तो आप इधर से अपना जो एजुकेशन लेवल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पोर्शन पे अपना नाम आप जैसा भी लिखें, अगर पूरा नाम चाहें, ज़रूरी नहीं है कि CNEC के मुताबिक आप अपना नाम लिखें। आप इधर अगर लेट्स सपोज मेरा नाम है हसन इब्राहिम, तो आप इधर लिख लें अपना नाम हसन इब्राहिम कैपिटल वर्ड में या अपर लोअर केस में, जो भी जैसा आपको बेस्ट लगे। ऊपर जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या नहीं हैं ये इधर वो सिलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड हैं तो इसको मैरिड लिखेंगे, डिवोर्स एंड ETC एंड सो ऑन। उसके बाद कंटेक्ट इंफॉर्मेशन में दोस्तों, अगर आपने वो वाला अपना जो एड्रेस है, घर का एड्रेस देना है या शॉप का एड्रेस है, जो एड्रेस इधर आपने देना है उसी एड्रेस पे आपको कार्ड रिसीव होना है। अब इस बात का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि आपका जो कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन है या आप उसमें जो एड्रेस पुट कर रहे हैं वो वैलिड है। अगर आप एड्रेस थोड़ा सा भी गड़बड़ लगा देंगे ना, तो आपको नहीं मिलने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर आप ये ना कहना कि हमें ये कार्ड नहीं मिला या जो भी है। तो मेन फोकस है कि आपने जो अपना एड्रेस है, होम एड्रेस, वो वैलिड देना है और वो वाला देना है जिस एड्रेस पर आपको पहले अपने पार्सल मिल चुके हैं। देन उसके बाद अपना सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सिटी है, कंट्री पाकिस्तान। देन आपने अपना ईमेल दे देना, ईमेल एड्रेस ये ज़रूरी नहीं है वैसे दे दें, तो इस पर मेल वगैरह आएंगे, अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपने एग्री करना है। एग्री करने के बाद ये ग्रीन वाला बटन आपको नजर आ रहा है, इस पर कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर आपको मिल जाएगा आपका TCS कार्ड। तो ये है सारी कहानी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे जो वीडियो है उसके कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एक
लोगो नज़र आ रहेगा उस पर क्लिक करें और जाके हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।